फ्रेंड्स किचन मेट्स में आपका स्वागत है। मैं मीनाक्षी। मैं भक्ति। फ्रेंड्स बारिश का मौसम शुरू हो गया है। बारिश के मौसम में मारवाड़ी दाल ढोकली खाने का कुछ और ही मजा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मारवाड़ी दाल ढोकली और उसके बनाने के इंग्रेडिएंट्स है एक कटोरी चने की दाल, एक कटोरी हरे मूंग की दाल, आटा, हल्दी, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मीठा सोडा, नमक, घी। हमने कुकर ले लिया है दाल ढोकली बनाने के लिए। हमने दाल को धो लिया है, अब इसे कुकर में डालेंगे। कुकर में डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। 3 से 4 कप पानी लगेगा। पानी डालने के बाद हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए और थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब उसे हम धीमी आंच पर उबलने के लिए रख देंगे। जब तक दाल ढोकली की दाल उबल रही है तब तक हम दाल ढोकली का आटा तैयार करेंगे। ढोकली बनाने के लिए हमने एक बॉल में आटा लिया है। अब उसमें हम हल्दी डाल रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। फ्रेंड्स हम आपको जीरा बताना भूल गए थे, अब हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, मीठा सोडा और स्वाद अनुसार नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम कुटा हुआ लहसुन डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं और थोड़ा सा तेल भी डालेंगे क्योंकि आटा सॉफ्ट रहे इसलिए। ये सब चीज अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें हम पानी की सहायता से आटा गूंथ लेंगे। पानी एकदम से नहीं डालना है, पानी धीरे धीरे डालना है। फ्रेंड्स अब ये आटा रेडी हो गया है गूंथ के। मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लिया है। अब हम उनकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और ढोकली बनाएंगे, ढोकली तैयार करेंगे। छोटे से लोई लेके उसे अपनी हथेली की सहायता से प्रेस करेंगे और एक छोटी सी पूरी का आकार देंगे और अपने अंगूठे की सहायता से प्रेस करते हुए उसे एक छोटी सी पूरी बनाएंगे कुछ इस तरीके से। उसे आप जितना चाहो उतना पतला कर सकते हो ताकि आसानी से पक जाए और उसके बीच में हम एक छेद करेंगे, उससे ये जल्दी पकेगी और इसके अंदर अपने जितने भी इंग्रेडिएंट है वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो अगर आपको जल्दी है तो आप इसको रोटी की तरह बेल के काट के भी दाल में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी ढोकली तैयार है और दाल का पहला उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक एक करके ढोकली ऐड करेंगे। सारी ढोकली एक सरीके बनाए ताकि वो जल्दी से पक जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको बेलन से बेल के रोटी की तरह और चाकू से कट करके इस्तेमाल कर सकते हो। हमने सारी ढोकली दाल में डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। हमें उतना ही पानी ऐड करना है जितना ढोकली डूब जाए। अगर आपको पानी बराबर लगे तो अब उसमें और ऐड मत कीजिएगा और अब इसे हम कम आंच पे उबालेंगे। हमारी दाल ढोकली बन चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो सारा पानी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए हमें एक छोटा पैन चाहिए। उस पैन में हम डालेंगे थोड़ा घी। जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद डालेंगे थोड़ी सी हींग खुशबू के लिए। हींग डालने के बाद हम डालेंगे लहसुन जो हमने क्रश किया है।
जब लहसुन थोड़ा सुनहरा होने लगे तब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे तेल में भी तड़का दे सकते हैं, पर घी में तड़का ज्यादा अच्छा लगता है। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको तीखा पसंद है, मैं इसमें 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ। नमक, इन सबको हम अच्छे से हिला लेंगे, अच्छे से इस मसाले को भूनेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। जब मसाला भून जाए अच्छे से तब हम इसे, गैस नहीं बंद करेंगे, गैस चालू ही है, हम इस दाल ढोकली में यह तड़का डाल देंगे। और थोड़ा धीमी आंच पे एक उबाल दाल ढोकली का आने देंगे, ताकि जो हमने तड़का लगाया है वो अच्छे से दाल ढोकली में अब्सॉर्ब हो सके। एक उबाल आने के बाद हम दाल ढोकली बंद कर देंगे। तड़का देने के बाद हमारे 2 से 3 उबाल आ चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे। इसे हम नींबू, धनिया और घी के साथ सर्व करेंगे।